हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जॉब के बारे में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं रशिया में और आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास होने चाहिए गेम्स। तो क्या है आपके पास गेम्स? तो गेम नंबर वन, रशियन लैंग्वेज। अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो आप यहां पे इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रशियन लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आप अलाउ नहीं है जॉब करने के लिए, लेकिन लोग फिर भी जॉब करते हैं क्योंकि उनको चाहिए होते हैं पैसे। तो रशियन लैंग्वेज स्टूडेंट को यहाँ पर एज अ स्टूडेंट नहीं माना जाता, एज अ टूरिस्ट माना जाता है, क्योंकि वो प्रिपेरेटरी कोर्स के लिए होते हैं रशियन लैंग्वेज। तो अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो आपको ईजिली जॉब मिल सकता है। और सेकेंड गेम है इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो आप यहाँ पर जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आते हैं इंग्लिश जॉब के लिए? तो बोलाओ तो यहाँ पर नेपोटिज्म होता है, लोग नेपोटिज्म करते हैं यहाँ पे। जब भी जॉब हिंदी या उर्दू में है तो सबसे पहले अपने जानने वाले को बताते हैं ताकि यार इसको जॉब मिल जाए। इंटरव्यू वगैरह बहुत कम होते हैं इस तरह के जॉब के लिए। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए एडिशनल पॉइंट एक और है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी या उर्दू में जॉब होते हैं कॉल सेंटर्स के लिए। तो यहाँ से कॉल जब मिलाई जाती है पाकिस्तान इंडिया में, तो वहाँ पे अगर कोई फीमेल फ़ोन मिलाए तो वहाँ के लोग फ़ोन नहीं काटते, क्योंकि उनको पता होता है कोई ना कोई चांस होता है इसमें। तो इसलिए यहाँ पर फीमेल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंग्लिश या उर्दू, हिंदी या फिर उर्दू में जॉब के लिए। तो तीसरी बात, हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब। तो हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब, तो ये मैं दो लिंक दूंगा, एक है हेड हंटर और एक है rabota.ru, जो कि रशियन एप्लीकेशन है और वेबसाइट है जहां पे आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं इजीली। और आपको समर में बहुत ज़्यादा जॉब होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जॉब कर सकते हैं। तो इनका पर वेज कितना होता है? तो पर वेज इनका होता है, अगर आप जॉब करते हैं मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग या किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको पर आवर पे करते हैं 135 to 150 रूबल पर आवर। अगर आप मंथली एस्टिमेट करें तो आप वन मंथ में आप 40,000 रूबल कमा सकते हैं। तो और नंबर वन है मॉस्को, नंबर टू है सेंट पीटर्सबर्ग और नंबर थ्री है कजान। ये तीनों सिटीज में आप इंग्लिश में भी जॉब फाइंड कर सकते हैं। और इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं तो आप हिंदी या उर्दू में भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर मॉस्को में हिंदी और उर्दू में भी जॉब होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं, वो ना होने के बराबर होते हैं। तो जब भी कोई हिंदी या उर्दू में जॉब होता है तो वहाँ पे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिनका जानने वाला होता है तो सबसे पहले वो कहते हैं यार अपने जानने वाले को बुलाओ, तो यहाँ पर नेपोटिज्म। हाँ, अगर आप रशिया में हो और आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती तो एक तरह से आप यहाँ पर गूंगे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब इंग्लिश जॉब के लिए भी जाओगे तब भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे बेहतर है रशियन लैंग्वेज सीखना, उसके बाद जाके जॉब के लिए अप्लाई करना। जब भी आप यहाँ पे आते हो रशियन लैंग्वेज कोर्स के लिए, जब तक आपका रशियन लैंग्वेज कोर्स चल रहा होता है, तब मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जॉब ना करें, अपने रशियन लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि जब आपको लैंग्वेज पूरी आती हो, जब आप मेन कोर्स में जाओगे बैचलर या मास्टर्स में, तो तब आपको ईजिली जॉब मिल सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेटर चाहिए होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, जो आपका यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करता है जॉब करने के लिए। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बैचलर वालों के लिए तो मुश्किल है जॉब करना, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी क्लास टाइमिंग सुबह 9 से कभी शाम 2 बजे, कभी 3 बजे, 4 बजे, दोपहर 2, 3, 4, कभी कभी शाम के 5 भी लग जाते हैं, और कभी कभी 12 बजे भी फ्री हो जाते हैं। तो बैचलर्स वालों के लिए जॉब करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट हैं जो मजबूर हैं, अपने सेमेस्टर का फीस खुद निकालना चाहते हैं, तो वो लोग कुछ भी करके क्लासेस मिस करके जॉब करते हैं, क्योंकि उनको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस निकालनी होती है। और फीस सेमेस्टर्स की होती है यहाँ पर बैचलर्स वालों का 80,000 रूबल टू 120,000 रूबल, मतलब 80,000 से लेकर 1,20,000 रूबल तक एक सेमेस्टर की फीस होती है।
एवरेज ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इससे भी महंगी हैं, लेकिन जो नॉर्मल सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी इतनी ही फीस होती है। तो मास्टर्स वालों के लिए यहाँ पर जॉब ढूंढना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उनके वीकली एक या दो क्लासेस होती हैं, ज़्यादातर उनको थीसिस पे काम करना होता है, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता जॉब ढूंढना। और हाँ, फाइनल बात, अगर आपके पास स्किल्स हैं, जैसे कि आप वेब डेवलपर हो या कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, कोई भी हो, सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या कोई दूसरे स्किल्स हो आपके पास, तो आपके लिए जॉब ढूंढना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से कंपनीज हैं जिनको स्किल वर्कर चाहिए यहाँ पर, और स्किल वर्कर यहाँ पर बहुत कम है। तो उन कंपनीज को स्किल वर्कर चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास गेम्स हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जॉब फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको और अपडेट दे सकूँ रशिया के बारे में, और आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह के वीडियो बनाऊँ आगे, तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।